हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई सारे अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों के लिए एक क्लासेस शेड्यूल निकाला है जिसमें करंट अफेयर्स आपको सुबह 8 बजे मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास शाम को, ठीक है, शाम को 6 बजे मिलेगी, स्टैटिक जीके और या फिर फिजिक्स की क्लास, इसमें स्टैटिक जीके हो सकता है इस क्लास में या फिर फिजिक्स, वो मिलेगा आपको शाम को 7 बजे, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी आपको रात को 8 बजे। तो ये आपको क्लास शेड्यूल है, आप इसके हिसाब से रेडी रहिएगा। पर डे आपको अच्छे से तैयारी करनी है आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, और जो लोग एनटीपीसी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी यही है वो कि वो ग्रुप डी के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहे, ठीक है। हमें ग्रुप डी के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इस चीज को नहीं भूलना है कि दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक, तो जैन धर्म की जो प्रथम तीर्थकर थे या प्रवर्तक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। अच्छा, महावीर स्वामी की बात करें तो ये कौन से थे? तो ये लास्ट नंबर के थे जो कि थे 24th नंबर के, ये जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन ने अंतिम सांस ली, तो अंतिम सांस कहाँ ली? पावापुरी में। कहाँ पर सांस ली? पावापुरी में इन्होंने अंतिम सांस ली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप इसको याद कैसे कर सकते हो? तो इस पूरी को आप याद रखोगे, पूरी मतलब यहाँ पर इनकी जो जिंदगी थी, ये आप इसको ट्रिक मान सकते हो कि यहाँ पर जो इनकी जिंदगी थी वो पूरी हो गई, तो वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अभी हमने बताया अंतिम कौन थे, तो अंतिम थे महावीर, किस नंबर के? 24th नंबर के, 24th नंबर के ये अंतिम तीर्थकर थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर नहीं है? तो वो है नाथ मुनि, आप ध्यान रखिएगा, नेमि, संभव और चंद्र प्रभु ये सभी क्या है? जैन तीर्थकर है, लेकिन नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभास गिरी एक तीर्थ स्थल है, तो प्रभास गिरी आप ध्यान रखिएगा, प्रभास गिरी कहा है का, किस धर्म का है? तो जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि जब किसी व्यक्ति को पूर्ण बुद्धि की बात की जाती है तो पूर्ण बुद्धि शब्द के लिए वहां पर किस शब्द का यूज किया जाता है? तो जैन ग्रंथों में कैवल्य का यूज किया जाता है, ठीक है। कैवल्य का मतलब हो गया पूर्ण बुद्धि, पूर्ण बुद्धि ये कैवल का मतलब हो गया, ठीक है। जिन कौन होता है? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिन का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जिन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है स्यादवाद का एक सिद्धांत है, तो ये है, ये भी आप जान लीजिए, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म दर्शन यह मानता है कि दुनिया की संरचना और रखरखाव किसके द्वारा की जाती है? देखिए, जैन धर्म जो है ये भगवान को नहीं मानता, ठीक है, भगवान को नहीं मानता। इसके अनुसार इस यूनिवर्स में एक कानून है, एक लॉ डिफाइन कर दिया गया है और उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा है, तो सार्वभौमिक जो कानून है उसी के हिसाब से सब चल रहा है इस दुनिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का मूल बिंदु क्या है? जैन धर्म का मूल बिंदु क्या? तो इसका सही जवाब होगा नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। अगर इनके और बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो जैसे सत्य,
सत्य अहिंसा हो ही गया। अपरिग्रह का मतलब होता है कि हम किसी भी दूसरे की चीज को चुराएंगे नहीं, आस्तेय, ठीक है। और जो है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये इनके कुछ और सिद्धांत थे। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जैन का प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ है? तो वो है 14 पूर्वास। 14 पूर्वास जो है ये इनका एक प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ है। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो थे जमाली। जमाली कौन थे? जमाली इनके दामाद थे, ठीक है। तो जब भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य बने थे वो कौन बने थे? जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया था, तो किसमें संपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया था। अगला है, समाधिमारण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये आप जान लीजिएगा, समाधिमारण किससे संबंधित है? जैन दर्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो आप ध्यान रखिएगा, मक्खाली गोशाल। ये आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, कई बार ये एग्जाम से पूछा गया कि आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मक्खाली गोशाल है। अगला है, श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? तो आप सोचो कि इतनी बड़ी जो प्रतिमा है अखंड पत्थर से बनी हुई, ठीक है। अब अखंड पत्थर से बनी हुई अगर हमें प्रतिमा बनानी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जादू तो में आना चाहिए। तो जादू में आप लोगों ने सुना होगा चामुंडाए, तो उसी से बन जाएगा चामुंद्राए, ठीक है। तो गोमतेश्वर का जो प्रतिमा का निर्माण है वो चामुंद्राए ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें मैच कराना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें किस हिसाब से मैच करा समझिए, यहाँ पे तीर्थांकर है और यहाँ पे उनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे हम कहें आदिनाथ या फिर मल्लिनाथ या फिर पार्श्वनाथ या फिर संभवनाथ, तो इनको किस नाम से इसमें जाते हो समझिएगा। आदिनाथ को, आदिनाथ का जो प्रतीक है वो है पुल, ठीक है। जो मल्लिनाथ का है वो है वाटर जार। क्या है? वाटर जार। तो उस हिसाब से ए का 1 और बी का 4, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? तो पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प और संभवनाथ का हो जाएगा हॉर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां? तो देखिए अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं समझिएगा। कह रहे कि बोध गया, तो बोध का मतलब आप मान सकते हैं कि उनके अंदर जो अज्ञानता थी, ठीक है, जो इनके अंदर अज्ञानता थी वो चली गई, गया अज्ञानता, गया, ठीक है। तो इसका मतलब उसके उनके अंदर जो भी अज्ञानता थी वो चली गई, तो इसका मतलब यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में बोध वृक्ष अपने परिवार की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो आप जान लीजिएगा, ये इसकी छठी पीढ़ी मानी जाएगी। मतलब ये आप कह सकते हो कि जब ये पेड़ लगाया गया था उसके बाद से इसमें कितनी पीढ़ियां बीत चुकी होंगी, तो वो है छठी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी के स्थान पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, बोध गया ही निरंजना नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक। जैसे अभी यहाँ पे, अभी हम पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कराया है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने कहाँ दी थी? मतलब किस उसमें इनको महिलाओं को इस संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली? इसका इतना सरल ट्रिक है, इतना आसान तरीका है, आप आसानी से याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। बताइए इनमें से किस ऑप्शन में, जैसे है ऑप्शन क्या है, वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह, कुशीनगर। अब बताइए अगर महिलाओं का प्रवेश हो रहा है तो इनमें से किसका नाम महिलाओं का हो सकता है? तो आप कहोगे वैशाली, ठीक है, क्योंकि वैशाली का नाम ही किसी महिला का हो सकता है, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? वैशाली, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये द्वितीय
बौद्ध संघ जो सम्मेलन हुआ था ये वो था। ठीक है, अभी हम आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप चारों जो इनके सम्मेलन है उनको आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? महावीर के नवरत्न त्रिरत्न है, मतलब इनमें इनकी जो भी शिक्षाएं हैं सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक इनको यहाँ पे संकलित करके त्रिपिटक कहा जाता है। क्लियर है भाई? अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल है? अब बताइए, अगर बात नैतिकता की होगी, बात सिद्धांत की होगी, तो लोग आपको सबसे शुद्ध व्यक्ति मानेंगे। ऐसे आप याद रखो कि अगर आपके अंदर नैतिकता है, आप सिद्धांतों अच्छे सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो भी उस केस में आप सबसे शुद्ध पुरुष होंगे, शुद्ध व्यक्ति होंगे। तो बताइए इसे क्या ऑप्शन बना? शुद्ध पिटक। क्या बना? शुद्ध पिटक, यानी अब नैतिकता और जो सिद्धांत के बारे में बताया गया है गौतम बुद्ध के, वो शुद्ध पिटक में कहा गया है। बाकी विनय पिटक, जातक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक के बाकी दो है। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम मठ स्थित है? अशोकाराम मठ स्थित है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अशोकाराम मठ बना हुआ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाटलिपुत्र में। ठीक है, अशोकाराम मठ जो है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप की अवधि के दौरान बनाया गया था? तो अमरावती जो स्तूप है वो मौर्य कालीन, जो मौर्य काल थे उसी के दौरान ये बनाया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मौर्य कालीन शासन के दौरान इस अमरावती स्तूप को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अस्थिर और क्षणिक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप यहाँ फोटो देख सकते हो, ये कौन है? गौतम बुद्ध। तो यानी बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के हीन यान और महायान संप्रदायों में मूलभूत अंतर क्या था? तो देखिए, हीन यान और महायान दो अलग अलग थे। इसमें से एक केवल गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को मानते थे, जबकि दूसरे जो थे वो उनके उनको एक भगवान के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूजी जाने वाली प्रथम मानव मूर्ति की थी किसकी थी? तो आप यहाँ देख सकते हो किसकी? गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो भारत में पूजी जाने वाली प्रथम मानव मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? तो आप ध्यान रखिएगा, ये खड़ी मूर्ति कुषाण के समय में बनाई गई थी। किसके समय में बनाई गई थी? कुषाण काल में इसको बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, गुप्त काल जो है वो गुप्त काल कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है, कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, गुप्त काल में बनाया गया था, तो गुप्त काल भी एक अच्छा था पीरियड। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है वो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी बताई जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच सामान्य नहीं है? तो वो है सेल्फ मॉडिफिकेशन, यानी खुद आत्म मृत्यु जो है, जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं, ये दोनों में सामान्य नहीं, यानी एक जैसा नहीं है। बाकी ये सभी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, मतलब वो वेदों को नहीं मानते थे, अनुष्ठान की अस्वीकृति यानी जो यज्ञ वगैरह होते थे वो भी ये दोनों धर्म नहीं मानते थे। ठीक है, तो सेल्फ मॉडिफिकेशन इनके बीच एक प्रमुख अंतर था। अगला क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध दोनों ही मानते हैं क्या कि कर्म का दर्शन और आत्मा का स्थानांतरण सही था? इसका मतलब ये है कि हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है और आत्मा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्योंकि ये कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे कहा जाता है कि ये जो फर्स्ट से ये ग्रेट डिपार्चर है, इसको हिंदी में बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब गौतम बुद्ध का बाहर निकलना क्या कहलाता है। ठीक है, वैसे उनका पहली बार उपदेश देना, उनका जन्म, उनका इनलाइटमेंट यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति होना, इन सब का क्या मतलब होता है? ठीक, तो समझिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे मैच करा रहा हूं।
तो ग्रेट डिपार्चर ये होता है धर्म चक्र। ठीक है, अब देखिए जी, बोधि ट्री, तो बोधि ट्री क्या था? बोधि ट्री था ज्ञान की प्राप्ति, बोधि ट्री था ज्ञान की प्राप्ति। इनका जो जन्म था वो क्या था? उसका प्रतीक है लोटस यानी कमल का फूल। उसके बाद फर्स्ट सेरेमनी यानी उन्हें पहली बार जो उपदेश दिया उसको हम क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। आप खुद ही सोचो कि अगर पहली बार उपदेश देंगे तो इसका मतलब क्या? वो धर्म चक्र को परिवर्तित कर रहे हैं या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसके बाद ग्रेट डिपार्चर, बताइए ग्रेट डिपार्चर, घर से बाहर वो निकल रहे हैं, घर का त्याग कर रहे हैं। तो ये चलने वाली चीज कौन सी है? हॉर्स। चलने वाली चीज क्या है? हॉर्स। तो यानी ए बी सी और डी, इसके हिसाब से ए का ऑप्शन बना 4, बी का ऑप्शन बना 2, इनलाइटमेंट यानी उनके ज्ञान की प्राप्ति जो कि है बोध ट्री, ठीक है बोधि ट्री, और ग्रेट डिपार्चर यानी हॉर्स नंबर 3। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है कि महाविनिष्क्रमण इनमें से किसके द्वारा मतलब इसको बताया जाता है, तो वो है हॉर्स के, वो हॉर्स के थ्रू। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो वो थे नागार्जुन। नागार्जुन को, ये पहले ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जिनको पहली शताब्दी ईस्वी में चीन भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतीपुर शिक्षा केंद्र स्थित है? उदंतीपुर शिक्षा केंद्र स्थित है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ठीक है, उदंतीपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन, तो आप याद रखिएगा गुजरात। ठीक है, इसको आप बंगाल मत माने, ये मिसप्रिंट हो गए, ये क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो अभी हमने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय पर हुई थी, तो गुप्ता काल डायनेस्टी में हुई थी। किसने कराया था? कुमार गुप्त ने। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें कहा गया है कि फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मतलब इनको हमें यहाँ पे बताना है कि किस क्रम में ये हुए थे। पहला बौद्ध काउंसिल, ठीक है, मतलब ये जो बौद्ध परिषदें हैं ये किस क्रम में आयोजित की गई। तो मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी पे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ट्रिक क्या है आप ये समझ लो। देखिए ट्रिक ये है कि राजा की वैशाली को, राजा की वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया। ठीक है, इसको आप ये भी कर सकते हो राजा ने, ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पे आप यहां पे क्या कर लो, राजा ने, तो राजा ने वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया। अब बताइए राजा मतलब राजगृह, इसका मतलब पहला वाला जो होगा वो कौन सा होगा? राजगृह, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। वैशाली दूसरा नंबर जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 है। उसके बाद पटाकर, यहाँ पे आपको पटाकर भी देखना है, तो यहाँ पे पटाकर मतलब पाटलिपुत्र, इसका मतलब 4, ठीक है, और उसके बाद कुंडलवन ले गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तो इसका सही अरेंजमेंट बनेगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर D। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कई बार की प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे, जो काउंसिल है वो कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि राजा ने वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।